गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ आराधना। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल क्लोथिंग हॉल का वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ब्यूटीफुल वेडिंग कलेक्शन की साड़ीज शो करने वाली हूँ। ये सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से परचेज किए थे ड्यूरिंग सेल टाइम में और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। और लेटेस्ट ट्रेंडिंग साड़ीज हैं ये, जो कि आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में पहनना चाहते हैं या आप किसी ओकेजन पे पहनना चाहते हैं, किसी फंक्शन में पहनना चाहते हैं, तो वहां पे आप इजिली पहन सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली वाली साड़ी है वो है ये वाली, और ये गोटा पट्टी की चंदेरी सिल्क साड़ी है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा अच्छी है दिखने में, बिल्कुल जैसे जो गुजराती वेडिंग्स में घर चोला साड़ियां पहनती हैं दुल्हन, बिल्कुल वैसी साड़ी है ये फ्रेंड्स। और ये रेड एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है। मैं आप लोगों को पूरी साड़ी दिखा देती हूँ, ये कुछ है, इस तरह से है। हम स्टार्ट करते हैं पल्लू के पार्ट से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी का पल्लू का पार्ट है। पल्लू के पार्ट पे आपको ये पूरा गोटा पट्टी का काम मिल जाएगा। ये बड़ा ब्रॉड बॉर्डर है और पल्लू के एंड में हमें इस तरह से ये टैसल्स भी मिल जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये टैसल्स लगे हुए हैं और ये बॉर्डर हमें साड़ी के दोनों तरफ रिसीव हो रहा है इस तरह से। देखिए पल्लू पे आपको ये रेड एंड व्हाइट पूरा कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। और जो पूरी साड़ी है वो कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। ये देखिए इस तरह से पूरी साड़ी है, चंदेरी सिल्क का मटेरियल है। पहनने में बहुत ज्यादा हल्की है, लाइट वेटेड है, एट ए टाइम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुक आता है इसका। गोटा पट्टी का जो काम किया गया है बहुत ही अच्छे से किया गया है, कहीं से भी कोई थ्रेड निकला हुआ नहीं है और इसकी शाइन काफी ज्यादा अच्छी है। और ये हमारे प्लीट्स का पार्ट है फ्रेंड्स। प्लीट्स के पार्ट में आपको कोई बॉर्डर नहीं मिलता है, साड़ी के बॉटम में आपको बॉर्डर मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से साड़ी के बॉटम में पूरा आपको बॉर्डर मिल जाएगा, ये पूरा लेस वर्क आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। और साड़ी के साथ में हमें इस तरह से ये टफेटा सिल्क का मटेरियल रिसीव होता है ब्लाउज के लिए रेड कलर का। और इसमें हमें ये बॉर्डर मिल जा रहा है अगेन, जो कि हम अपने हैंड स्लीव्स पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, और जो ब्लाउज का लेंथ हमें मिल रहा है वो अराउंड 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज का मटेरियल हमें रिसीव हो रहा है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये मैंने सिर्फ 999 रुपीज में लिया है। नेक्स्ट वाली साड़ी जो है फ्रेंड्स वो है ये वाली सीक्वेंस वाली। वैसे तो सीक्वेंस वाली काफी साड़ियों का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, बट ये साड़ी बाकी सभी से थोड़ी सी डिफरेंट है। बिकॉज अभी तक जो भी मैंने सीक्वेंस साड़ी का रिव्यू किया था ना, उसमें जो सीक्वेंस थे वो थोड़े से मोटे और बड़े साइज में थे, बट ये आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है छोटे छोटे बारीक सीक्वेंस जो होते हैं ना, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस है। कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। पहनने के बाद में ना ऐसा लगता है जैसे कि कोई शिमर वाला मटेरियल वाला साड़ी हमने पहना है। दूर से तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसमें बारीक सीक्वेंस वाली साड़ी पहनी है। जॉर्जेट का मटेरियल है जो इसका बेस मटेरियल है, और पूरे साड़ी पे हमें ये ओवरऑल सीक्वेंस मिल जा रहा है। ये देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको ये सीक्वेंस मिलेगा। पहनने पे इसका लुक्स इतना ज्यादा अच्छा आ रहा है ना, मुझे ये इतनी ज्यादा पसंद आई है, बहुत अच्छी लगी है ये साड़ी। इसमें आपको और बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने ग्रीन चूज किया था बिकॉज मेरे पास इस तरह का ग्रीन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने कलेक्शन में ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से पूरी साड़ी सीक्वेंस वर्क से भरी हुई है। सिर्फ हमें ये जो साड़ी के अंदर जो फर्स्ट राउंड हम यूज करते हैं ना प्लीट सर्कल के लिए, सिर्फ इतना पार्ट हमें प्लेन मिलता है, बाकी पूरी साड़ी हमें सीक्वेंस से भरी हुई है। और ये अंदर चला जाता है तो ये दिखाई भी नहीं देता है। ये देखिए, और साड़ी के पूरे बॉर्डर में हमें ना इस तरह से ये पाइपिंग भी मिल जाती है, बॉटम में भी और अपर साइड में, तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं से भी कुछ सीक्वेंस निकल जाए, डैमेज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस साड़ी के साथ में मुझे इस तरह से इसका ये रेडीमेड स्टिच ब्लाउज भी रिसीव हुआ है फ्रेंड्स। ये तो मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं था, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। ये देखिए इस तरह से सेम हमें ग्रीन कलर का मटेरियल ब्लाउज का हमें स्टिच मिल रहा है पूरा, और इसमें ये लाइटली पैडिंग है और टफेटा सिल्क का मटेरियल है। क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, पूरी स्टिच है, ये स्लीवलेस है, बट टेंशन नहीं की। इसमें देखिए आपको ये अलग से हैंड स्लीव्स के लिए ये मटेरियल मिल जा रहा है, तो अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते हैं तो आप स्लीव्स लगवा सकते हैं। और ये जो ब्लाउज का इन्होंने जो ब्लाउज प्रोवाइड किया है ना, ये अप टू 42 बस्ट को आ जाएगा, बहुत ज्यादा मेरे लिए तो ये बड़ा है फ्रेंड्स। ये देखिए, और इसमें अंदर मार्जिन भी हमें मिल जा रही है।
यहाँ पे देखिए। सो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने ये वाली सीक्वेंस सारी ली थी। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आराधना सीक्वेंसेस शो कर रही है, तो मैं क्या बोलूं, बहुत आजकल सीक्वेंस में इतने वैरायटी ऑफ सारी आ गए है ना कि मन करता है ये भी ले ले वो भी ले ले। बहुत अच्छी अच्छी आ गई है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये ब्लैक कलर की सीक्वेंस की सारी है फ्रेंड्स, और ये भी पूरा सीक्वेंस से भरा हुआ है, गोल्डन सीक्वेंस है। आप लोग देख सकते रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप, इस तरह से इसके पैटर्न बने हुए हैं। जॉर्जेट का मटेरियल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टिचिंग एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया है। सीक्वेंस की आप लोग शाइन देख सकते हैं कि कितना ज्यादा चमक रहा है मेरे स्क्रीन पे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये बॉर्डर भी रिसीव होता है, बॉर्डर पे पूरा सीक्वेंस का काम है, और ये पूरे साड़ी पे हमें इस तरह का बॉर्डर मिल जाएगा, बॉटम में भी और एंड में भी। ये देखिए पूरी साड़ी इस तरह से सीक्वेंस से भरी हुई है लाइक दिस। ये देखिए आपको पीच कलर, पिंक कलर, ग्रे कलर, ये कलर ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा बस ये चार ही कलर है जिसमें से ब्लैक मैंने लिया, और पिंक, ग्रे और पीच कलर आपको मिल जाएगा। इसके साथ में इस तरह से ये ब्लैक कलर का मुझे ब्लाउज का मटेरियल रिसीव हुआ है। ये टफेटा सिल्क का मटेरियल है, इसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ब्लाउज जो है वो 80 सेंटीमीटर का है, और इसमें देखो आप लोग थोड़ा सा ये ग्लास वाला जो शाइन आता है ना, कुछ वैसा शाइन वाला ये ब्लाउज है, तो ये मुझे अच्छा लगा है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इन सारे ही प्रोडक्ट्स की बाइंग लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर मैं मिलूंगी आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।